पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लंदन के सदर शकूर खान और दीगर रहनुमाओं ने नवाज शरीफ के खिलाफ नैब अदालत के फैसले पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लीगी रहनुमाओं का कहना था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ नैब अदालत का फैसला इंसाफ पर मबनी नहीं है। काफ लीग और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर क्यों हाथ नहीं डाला जाता, उन्होंने मजीद क्या कहा, आप भी सुनिए। आज का जो फैसला है उसकी जितनी मजम्मत की है वो कम है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूके बरतानिया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ है और हमेशा साथ रहेगी, और जितनी बार भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को ये जेल में डालेंगे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उतनी बार इंशाल्लाह ये बाहर आएंगे, और इंशाल्लाह बहुत जल्द ये तमाम टाइम जो चेंज हो जाएगा। इस बहुत वाजह हो गई है कि किसी किस्म की करप्शन नहीं हुई है, खानदानी सख्त सजा दी गई है जिसको एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन या टारगेटेड कहा जा सकता है। ये लड़ाई सिविलियन बालादस्ती की लड़ाई है जो आखिरी 70 साल से लड़ी जा रही है, और खसूसी तौर पर मुस्लिम लीग नून इसको 30 साल से जो है वो लड़ रही है। आज का जो फैसला है मैं समझता हूँ वो पाकिस्तान की जमहूरियत की तारीख में सिया फैसला है, और इससे इस फैसले से जमहूरियत को जख्मी किया गया है, और मैं समझता हूँ इस तरह के फैसलों से पाकिस्तान की में जो जमहूरियत का जो चलना है जमहूरियत को डिरेल करने के लिए ये एक फैसला किया गया है। और जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने पे 3 दफ़ा वो वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, 2 दफ़ा वो वज़ीर-ए-आला रहे हैं, आज इस फैसले से ये साबित हो चुका है उन पे करप्शन का जो भी इतना अरसा इस मुल्क को सर्व किया है, मैं समझता हूँ उनकी जो खिदमात है उनको याद रखा जाएगा। उनको आज सिर्फ और सिर्फ सी पैक की पाकिस्तान में दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए, पाकिस्तान में बिजली बहाल करने के सिलसिले में, रोशनियाँ बहाल करने के सिलसिले में सिर्फ और सिर्फ उनको सजा दी जा रही है। मैं समझता हूँ इस तरह के फैसले से नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया है उसको हटाया, ख़त्म नहीं किया जा सकता, और उनका जो बयानिया है सिविल सुप्रीमेसी का वो इंशाअल्लाह ताला जारी और सारी रहेगा, और वोट को जो इज्जत दो का उनका जो नर है वो इंशाअल्लाह ताला कायम और दायम रहेगा। जो भी फैसला आया है बहुत गलत फैसला आया है जो कि नहीं होना चाहिए था। पाकिस्तानी हमारी अदलिया इतनी बदनाम हो गई है पूरी दुनिया में, सिर्फ ऐसे फैसले जो डिसीजन पीछे को लिख के दिए जाते हैं, घंटे बाद पूरा फैसला चेंज हो जाता है, हर चीज़ चेंज कर देते हैं, और ये चीज़ ठीक नहीं है पाकिस्तान के लिए, ये चीज़ ठीक नहीं है अदलिया के लिए, ये चीज़ें ये जितने फैसले भी आ रहे हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को नीचे करने के लिए, उनको गिराने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए किए जा रहे हैं, लेकिन अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के फजल से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को कोई ख़त्म नहीं कर सकता, वो एक हकीकत हैं और पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर हैं, बल्कि मुस्लिम उम्मा के सबसे बड़े लीडर हैं। पाकिस्तान को सिर्फ पाकिस्तान को जितने भी वो पीछे बैठ के ये फैसले कर रहे हैं उनको चाहिए कि ख्याल करें पाकिस्तान का, पाकिस्तानी अवाम का, जो तरक्की की तरफ पाकिस्तान उड़ रहा था वो ऐसे करके